भारत को बचाने के लिए रोहित, विराट, रैना समेत इन 15 क्रिकेटर्स ने दान किए इतने रुपए। देखें पूरी लिस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप वर्ल्ड वाइड क्रिकेट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना नामक महामारी से निपटने के लिए पीएम केयर फंड में रोहित शर्मा, विराट कोहली और सुरेश रैना समेत कौन से 15 क्रिकेटर्स ने कितने रुपए दान किए हैं, जिसमें हम देखेंगे और बात करेंगे हर एक खिलाड़ी के बारे में। तो दोस्तों पूरी विस्तार से आपको हम इस सब बारे में बताएंगे, तो आप भी इस सब बारे में जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कोरोना वायरस पूरे देश से जल्द ख़त्म हो जाए, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों बगैर समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कोरोना नामक महामारी से निपटने के लिए हर तबके के लोग अपनी ओर से देश की सहायता कर रहे हैं, और इसी के साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेटर्स भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और कोरोना महामारी से निपटने के लिए मदद कर रहे हैं। भारत सरकार की विश्व की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड BCCI ने भी इस संकट की घड़ी में अपना खजाना खोलते हुए बड़ी रकम दान की है, जबकि रोहित, कोहली, रैना और गंभीर समेत कई दिग्गज भी इस तरह का दान कर चुके हैं। आइए देखते हैं किसने कितना दान किया है। नंबर एक, BCCI। सौरभ गांगुली की अध्यक्षता वाली BCCI ने पीएम केयर फंड में 51 करोड़ की बड़ी रकम डोनेट की है। वहीं नंबर दो, गौतम गंभीर। पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने अपने सांसद निधि फंड से 1.5 करोड़ रुपए और अपनी एक महीने की सैलरी पीएम केयर फंड को डोनेट की है। वहीं नंबर तीन खिलाड़ी जो हैं वह हैं सुरेश रैना। मिस्टर IPL के नाम से मशहूर सुरेश रैना ने भी 31 लाख रुपए पीएम केयर फंड में, जबकि 21 लाख रुपए UP रिलीफ फंड में दान किए हैं। वहीं नंबर चार खिलाड़ी हैं सौरभ गांगुली। दोस्तों BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने भी 50 लाख के चावल बंटवाए हैं। वहीं नंबर पाँच खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने 25-25 लाख रुपए पीएम केयर फंड और महाराष्ट्र CM रिलीफ फंड को डोनेट किए हैं। वहीं नंबर छः खिलाड़ी हैं अजिंक्य रहाणे। दोस्तों भारतीय टेस्ट उपकप्तान रहाणे ने 10 लाख रुपए CM रिलीफ फंड को डोनेट किए हैं। वहीं सातवें खिलाड़ी हैं लक्ष्मी रतन शुक्ला। बंगाल के पूर्व रणजी कप्तान लक्ष्मी रतन शुक्ला ने अपनी 3 महीने की सैलरी CM रिलीफ फंड को डोनेट किए हैं। वहीं नंबर आठ खिलाड़ी वहां हैं ऋचा घोष। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की 16 वर्षीय क्रिकेटर ऋचा घोष ने भी 1 लाख रुपए CM रिलीफ फंड में डोनेट किए हैं। चारों ओर इस युवा क्रिकेटर की काफ़ी तारीफ हो रही है। वहीं नंबर नौ खिलाड़ी हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली की डोनेशन नहीं कर देने के कारण चारों तरफ आलोचना हो रही थी, लेकिन आज ट्वीट करके कोहली ने तमाम आलोचकों को जवाब दे दिया है। कोहली ने कहा कि वो और उनकी पत्नी पीएम केयर फंड में दान कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने रकम का खुलासा नहीं किया, लेकिन गुप्त सूत्रों के अनुसार यह रकम लगभग 3 करोड़ रुपए हो सकती है। वहीं नंबर 10 खिलाड़ी हैं यूसुफ पठान और इरफान पठान। पठान ब्रदर्स ने अपने अनुसार बड़ौदा में 4000 मास्क बांटने के अलावा अन्य राहत सामग्री बंटवाई है। वहीं नंबर 11 खिलाड़ी हैं मोहम्मद शमी। दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने पूरे 5 करोड़ रुपए का दान भारत सरकार को दिया है। वहीं नंबर 12वें खिलाड़ी जो हैं वह हैं जहीर खान। दोस्तों जहीर खान भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने 2 करोड़ रुपए का दान दिया है। वहीं दोस्तों 13वें खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के उपकप्तान और बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने भी वायरस से निपटने के लिए पीएम केयर फंड को 40 लाख, महाराष्ट्र CM रिलीफ फंड को 25 लाख, वहीं फीडिंग इंडिया में 5 लाख और वेल्फ केयर ऑफ एस्टेरी डॉग्स में 5 लाख रुपए दिए हैं। वहीं नंबर 14वें खिलाड़ी हैं वह है महेंद्र सिंह धोनी, जो कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं और एक अच्छे खिलाड़ी हैं। MS धोनी ने सीधे तौर पर अभी तक कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है, हालांकि उन्होंने पुणे में गरीबों की मदद के लिए 1 लाख रुपए दान दिए हैं। वो जल्द ही रिलीफ फंड के लिए भी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। वहीं 15वें खिलाड़ी जो हैं वह महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मिताली राज। मिताली राज ने कोरोना से निपटने के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मिताली राज ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए सोशल मीडिया पर PM को 5 लाख फंड और तेलंगाना की मुख्यमंत्री राहत कोष को
5 लाख रुपए देने का वादा किया है, जिससे इस बीमारी में ज़रूरतमंदों को मदद मिल सके। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आप भी कोरोना नामक महामारी से निपटने के लिए आप भी पीएम केयर फंड या आपसे जो भी मदद हो सकती है आप भी करें, और आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ज़्यादा जानकारी और क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।